हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है सब स्टेशन में या जनरेटिंग स्टेशन में गिट्टी का, स्टोन का या ब्लास्ट का यूज क्यों किया जाता है। काफी बेसिक क्वेश्चन, यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। नॉर्मली यह क्वेश्चन इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आज के वीडियो में हम इसी क्वेरी को दूर करने वाले है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे वह सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं सब स्टेशन में स्टोन को क्यों बिछाया जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका जो फर्स्ट रीजन है वह है प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेजिस्टिव फॉल्ट। रेजिस्टिव फॉल्ट से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। कैसे मिलता है हम समझ लेते हैं। बेसिकली नॉर्मली यदि हमारे पास सब स्टेशन है, यदि सब स्टेशन में यदि हमारी जमीन है, जमीन पे यदि सॉइल बिछा हुआ है, सॉइल का जो होता है, जो मट्टी होती है या जो सॉइल होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह काफी कम होता है। सॉइल का जो रेजिस्टेंस काफी कम होता है, इसके मुकाबले सॉइल के मुकाबले जो हमारा स्टोन या गिट्टी होता है इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। यदि जमीन पे हमारी गिट्टी बिछी हुई है तो इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, दैट मीन्स इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब इससे हमें प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। सपोज ये हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, सपोज ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में सपोज ये हमारे कंडक्टर से है, कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है। यदि हमारे कंडक्टर्स कहीं टूट जाते हैं, सपोज ये हमारा कंडक्टर यहाँ से ब्रेक हो गया और ये कंडक्टर यहाँ से यहाँ पे जमीन पर आता है, यदि यहाँ पे नॉर्मली यदि जमीन होती है तो कंडक्टर क्या होता है, हमारा लाइव होता है या होता है फेज होता है। बेसिकली देखा जाए तो ये फेज होता है। यदि यहाँ पर जमीन है तो जमीन का जो रेजिस्टेंस काफी कम होगा, तो ये क्या होगा, हमारा अर्थ होगा। तो अर्थ होने की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से लाइव आ रहा है, यहाँ से अर्थ आ रहा है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे लाइव और अर्थ। जब ये कंडक्टर हमारा नीचे जमीन पर गिरेगा और नीचे सॉइल होगा, जमीन होगी, मट्टी होगी, तो यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट होने की कंडीशन काफी ज्यादा होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे जो जनरली कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है, उसके जो जनरली कंडक्टर और इंसुलेटर हमारे खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा होते है। बट उसकी जगह यदि हमने यहाँ पे स्टोन बिछा दिया, स्टोन बिछाने की कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण यहाँ पे कोई भी हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो जरूर, बट इसके चांसेस काफी कम होंगे, इसकी जो ताकत होगी काफी कम होगी। इसलिए जनरली यहाँ पे हम स्टोन बिछाते हैं ताकि रेजिस्टिव फॉल्ट यहाँ पे प्रोवाइड हो सके, क्योंकि जो स्टोन होता है उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। इसका दूसरा और इम्पोर्टेंट रीजन है वह है प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड स्नेक्स। ये जंगली जानवरों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और स्नेक्स जैसे छिपकली, बिच्छू, सांप आदि से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई सब स्टेशन है, इस सब स्टेशन में क्या ट्रांसफॉर्मर या अर्धी का जो कंपोनेंट हमारे कनेक्ट होते हैं, इसमें कई तरह की हेमिंग एंड वाइब्रेशन होता है। इससे क्या होता है, जो जंगली जानवर या जो स्नेक्स होते काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते है। अब ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे वाइब्रेशन होगा तो जो जंगली जानवर हो गया यहाँ पे सब स्टेशन की तरफ आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यदि गिट्टी बिछा रखी है तो जो जंगली जानवर जो स्नेक्स होता है इस गिट्टी पर चल नहीं पाएंगे, इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस कारण हमारा कोई भी जंगली जानवर इस सब स्टेशन की तरफ नहीं आएगा। इसके अलावा इसका एक और दूसरा इम्पोर्टेंट होता है कि कई बार देखा गया है कि जो सांप होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके कंडक्टर में शॉर्ट सर्किट करवा देते हैं, जिसके कारण वहां पर काफी ज्यादा भड़ाका हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो यदि जंगली जानवर या स्नेक्स या छिपकली नहीं आएगी तो वहां पर जो काम करने वाला पर्सन होगा वह भी काफी अच्छी तरह से काम कर पाएगा। तो इसका जो दूसरा प्रोटेक्शन होता है वह वाइल्ड एनिमल एंड स्नेक्स से प्रोवाइड करता है। बेसिकली काम करने वालों के लिए भी अच्छा होगा और हमारे सब स्टेशन के लिए भी अच्छा होगा। चलिए इसका जो अगला मेन रीजन है वह है बेटर प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन किस तरह प्रोवाइड करता है ये हम समझ लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई सब स्टेशन है, सब स्टेशन में यदि हमारे यहाँ पे धूल मट्टी या दैट मीन्स नरम जमीनी है यहाँ पर, तो क्या होगा, इस कंडीशन में यदि यहाँ पे वाटर गिरता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाटर गिरने के कारण यहाँ पे हमारा काफी ज्यादा कीचड़ हो सकता है। यह हमारे यहाँ जो कीचड़ होने के कारण क्या होगा, जो सब स्टेशन में काम करने वाले पर्सन है उन्हें काम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा यदि हम जमीन के ऊपर यदि स्टोन बिछा देते हैं तो स्टोन बिछाने से क्या होगा, स्टोन बिछाने के कारण यहाँ पे जो जमीन में जो पानी यदि आता भी है तो स्टोन के अंदर हमारा जो पानी आता है वो जल्दी ही जमीन के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे जो कीचड़ नहीं होगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे कीचड़ नहीं होगा, इसके अलावा यदि यहाँ पे जैसे ही धूप निकलती है तो धूप निकलने के कारण क्या होता है, स्टोन काफी जल्दी गर्म हो जाते हैं। काफी जल्दी गर्म होने के कारण यहाँ पे जो थोड़ी बहुत जो नरमाई रह भी जाती है तो वेपराइज्ड होकर भाप बनकर काफी जल्दी उड़ जाएगी, तो हमारा जो सब स्टेशन है जल्दी से साफ हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे जो वर्किंग करने वाले पर्सन होंगे उन्हें काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे यहाँ पे बेटर वर्किंग कंडीशन हमें मिलेगी। इसका जो अगला इम्पोर्टेंट रीजन है वो होता है रिड्यूस ग्रोविंग प्लांट्स।
वैसे तो जो सब स्टेशन है वहां पे प्लांट उगना नहीं चाहिए, वैसे प्लांट को रोकने से कैसे बचा जाता है, तो सब स्टेशन किस तरह बनाया जाता है, पहले तो जो जमीन होती है उसे अच्छा लेवलिंग की जाती है, उसके ऊपर बालू की रेत बिछाई जाती है, बालू रेत बिछाने के बाद उसके ऊपर ईंट की परत बिछाई जाती है, ईंट की परत बिछाने के ऊपर उसके ऊपर 4 इंच का PCC किया जाता है, तो इस कंडीशन उसके बाद फिर स्टोन बिछाया जाता है। तो इस कंडीशन में वैसे तो सब स्टेशन पे कोई प्लांट ना उगना नहीं चाहिए, बट हर सब स्टेशन पे इतना प्रोटेक्शन हम नहीं दे सकते। सपोज कोई छोटा सब स्टेशन है तो वहां पे हम इतना प्रोटेक्शन नहीं देते, उस कंडीशन में वहां पे क्या होता है कई प्लांट्स उगाते हैं, तो यदि हमने वहां पे नॉर्मल यदि गिट्टी भी बिछा रखी है तो प्लांट के काफी कम उगने के चांसेस हो गए, जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो तो उगेंगे ही नहीं। तो इस कारण जो स्टोन बिछाया जाता है ताकि वहां पे कोई प्लांट नहीं उगे, और यदि प्लांट उगता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसे कटाई के लिए हमें एक्स्ट्रा जो मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी बढ़ेगी, इसीलिए भी जनरली गिट्टी का यूज किया जाता है। तो रिड्यूस ग्रोविंग प्लांट्स इसका चौथा पॉइंट था। चलिए इसका लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है, वो होता है रिड्यूस स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल को रिड्यूस करता है। उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं ओवरव्यू के लिए, स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल क्या होता है। सपोज ये हमारे पास कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन के ये डेट में टावर से हमारा कंडक्टर जा रहा है। सपोज ये हमारा कंडक्टर यहां से ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद या तो हमारा कंडक्टर नीचे जमीन पर टकराएगा या फिर नीचे टावर पर आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, पहले हम समझ लेते हैं। यदि हमारा जो कंडक्टर है वो टूट के नीचे जमीन पर गिरा है और नीचे ये डेट में नॉर्मली जमीन है, यहाँ पे मट्टी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज ये 33 kV की लाइन हो सकती है, 11 kV की लाइन हो सकती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हाई वोल्टेज जो है नीचे जमीन में जाएगा, और नीचे जमीन में जाने के कारण क्या होगा, यह जो हाई वोल्टेज इसकी रेंज हमारी जमीन में यहां से यहां तक कुछ भी हो सकती है, मिनिमम देखी जाए तो 10 मीटर तक इसकी डिस्टेंस होती है। यहाँ पे 33 kV यदि होगी तो यहाँ पे 11 kV होगी, दैट मीन्स इसकी रेंज जैसे जैसे इसकी जो डिस्टेंस होगी वैसे कम होती जाएगी। सपोज उसकी डिस्टेंस यहाँ तक है, यहाँ तक इसका एरिया है। अब इस कंडीशन में सपोज कोई पर्सन यहाँ पर आता है और यहाँ पे जैसे ही इसका पाव आता है तो यह तो ग्राउंड है अभी, और यहाँ पे हाई वोल्टेज आ रहा है जमीन पे तार गिरने के कारण, तो उस कंडीशन में इस पर्सन को शॉक लग सकता है। तो यह जो शॉक लगने की कंडीशन होगी इसे हम कहते हैं स्टेप पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे स्टेप से हो रहा है। टच पोटेंशियल क्या होता है, सपोज यहाँ पे कंडक्टर टूटकर गिरा और यहाँ पे कंडक्टर हमारे जो टावर है टावर पे आके टच हो गया, इस कंडीशन में यदि कोई पर्सन आता है और इस टावर को यदि टच करता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसे शॉक लगेगा। अब शॉक लगने से क्या होगा, यदि हमने यहाँ पे मट्टी बिछा रखी है या धूल मट्टी है यहाँ पे, तो शॉक लगेगा। अब यदि यहाँ पर हमने मट्टी ना बिछाकर यहाँ पर यदि हमने, तो ये कंडीशन बेसिकली जो होगी ये होगी टच पोटेंशियल की, क्योंकि टच करने से हो रहा है। यदि हमने यहाँ पर गिट्टी बिछा के रखी है तो इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज यहाँ से कंडक्टर टूटकर नीचे भी गिरा तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो रेंज होगी वो ज्यादा दूर ना होकर यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो इसकी रेंज सबसे पहले तो गिट्टी बिछाने से यहाँ पे कम हो जाएगी, और यदि स्टेप पोटेंशियल कम होगा, टच पोटेंशियल कैसे कम होगा, सपोज यहाँ पे गिट्टी बिछी हुई है तो जैसा कि हमने देखा था कि रेजिस्टिव फॉल्ट प्रोवाइड करता है, दैट मींस रेजिस्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, गिट्टी का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। तो यदि पर्सन ने अच्छे जूते पहने होंगे और गिट्टी होगी तो उस कंडीशन में उसे शॉक लगने के चांसेस काफी कम होंगे। तो जो पर्सन होगा उसे शॉक लगने के चांसेस काफी कम होंगे। तो ये 5 मेन रीजन थे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए हो। यदि आप टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो इसके ऊपर हम वीडियो जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा भी यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।